जो है इस ग्रुप की शुरुआत की, अभी जो जागृति फाउंडेशन है उसकी शुरुआत की, और ये कंपनी रजिस्टर पिछले महीने ही हुई है, बट इसकी तैयारी जो है वो पिछले 10 साल से चल रही थी और 2 साल से तो बहुत स्पीड से चल रही थी। मैं आप लोगों को इस नाम का मतलब पहले बताना चाहूँगी। फेबिना का मतलब है इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस। फेबिना का नाम रखते वक्त ही मुझे इसके मीनिंग से प्यार हो गया था, जिसके चलते मैंने इस नाम को कभी छोड़ा नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं तो जागृति, जागृति का मतलब ही है उन सारे लोगों को जगाना जो जीवन में कुछ करना तो चाहते थे बट कभी शायद परिस्थितियों के वश, कभी सिचुएशन की वजह से, कभी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कभी सोसाइटी नॉर्म्स की वजह से, कई कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो जागृति का मतलब है जगाना, और उन सारी महिलाओं को जगाना जो कुछ करना चाहती हैं जीवन में बट उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की कमी है और एक किक की कमी है। तो हम लोगों ने उसका बेड़ा उठाया है। फाउंडेशन चूंकि ये ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर कंपनी है, सेक्शन 8 में रजिस्टर कंपनी है। सेक्शन 8 का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंपनी जो बनाई गई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए और बहुत सारा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, वो कम्युनिटी जिसमें हर वो महिला एसोसिएट हो और कमाना चाहती है वो हमारे साथ में एसोसिएट हो और आगे बढ़े। सो इस जागृति फाउंडेशन का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। सो मैं चाहूंगी आप सब लोग हमारे इस उद्देश्य में हमारा साथ दें और ध्यान से सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ में एसोसिएट होइए, अगर नहीं किसी कारण से कर पा रहे हैं तो उन सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए जो हमारे साथ में एसोसिएट होके कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, राइट। सो फेबिना जागृति फाउंडेशन की मैं बात करूँ, सो क्या क्या आज की मीटिंग में हम कवर करने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जागृति फाउंडेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है उसके बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा उसके बारे में बात करेंगे, फेबिना बिजनेस एसोसिएट क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो चीज़ है कि मार्केट की कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनको हमने सॉल्व किया है। एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी थी वो थी लर्निंग की। आज की डेट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हैं, उन सब में थ्योरी बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है बट प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा कम दिया जाता है। ये हमारे देश की विडंबना है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे लोग वापस आ गए हैं और बड़े बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट 2 ईयर्स में लगभग 1000 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ट्रेन किया, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के साथ। और मुझे बहुत फख्र होता है ये बताते हुए कि फेबिना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 90% स्टूडेंट जो है आज के डेट में कमाने लगे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा बट कमाने लगे हैं। क्यों कमाने लगे हैं? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस किया कि आप जो सीख रहे हैं उसका एक को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम लोगों ने जो हमारा इंस्टीट्यूट डाला है, ये इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस भी कराई जाती है और थ्योरी भी कराई जाती है, और तब तक कराई जाती है जब तक आप पूरी तरह से परफेक्ट ना हो जाओ, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हम नाम कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बिना स्वार्थ कोई कुछ नहीं करता इस दुनिया में, तो सिंपल है। मेरा भी स्वार्थ है, मुझे भी बहुत बड़ा नाम कमाना है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो इसीलिए हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग लड़कियों को वो सारी ट्रेनिंग, आने वाले समय में हमारे 10-15 कोर्सेज होने वाले हैं। एट प्रेजेंट हम लोग 3 कोर्सेज करा रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ जितने भी बच्चे एसोसिएटेड हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग जो काम करा रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो भी लड़कियाँ जॉब पे जाए वेबिनार से निकलने के बाद में, उनको अच्छी सैलरी पे जॉब मिल जाए, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको अच्छा पैसा मिले, उनको सम्मान मिले और ग्रोथ मिले। अगर वो खुद फ्रीलांसर बन के काम करना चाहती हैं तो भी अच्छा पैसा कमाए, अच्छा उनका क्लाइंट बेस हो। उसके साथ साथ में अगर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उनके पास में इतना नॉलेज हो कि कंपटीशन के आसपास वाले भी उनको देखते रह जाएं, इतना पैसा कमाए। और आने वाले समय में फेबिना का एक और नया वेंचर आएगा जिसमें हम लोग हमारे स्टूडेंट को
हायरिंग भी करेंगे. एट प्रेजेंट हम करने जा रहे हैं, लगभग 750 पोस्ट हमारी निकली हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां पर हम लोग ट्रेनर्स हायर कर रहे हैं. सो एज ए ट्रेनर भी हम लोग हमारी टीम में ले रहे हैं, उसके साथ साथ में एज ए पार्ट ये बिजनेस एसोसिएट भी हम उनको हमारे साथ में एसोसिएट कर रहे हैं. सो अब ओवरऑल जो है एक हम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे. वेबिनर का विजन है कि हम लोग लाखों महिलाओं को जो है एम्पायर करें. मिशन है 2023 तक हम लोग 500,000 महिलाओं को, जून 2023 तक हमने 500,000 लड़कियों को, महिलाओं को एम्पायर करने का बेड़ा उठाया है. डेडलाइन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास में डेडलाइन नहीं होगी, आपकी स्पीड नहीं होगी, आपकी क्लैरिटी नहीं होगी. सो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है 8 मार्च को, बट इसकी तैयारी पिछले 10 साल से स्लोली और 2 साल से बहुत अग्रेसिवली हो रही थी. उसके साथ साथ में हम लोग जो जो पूरा जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस इकोसिस्टम में हम लोग जैसे मैंने कहा लर्निंग, अर्निंग, देन उसके बाद में वो कस्टमर्स सारे जो कंफ्यूज है कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, उन सारे लोगों के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विथ डिस्काउंटेड प्राइस. उसके साथ साथ में हम लोग जहाँ पर भी काम करने जा रहे हैं वहाँ की हम डेमोग्राफिक वैल्यू भी बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल होता है उतना ज़्यादा पब्लिक आती है. पहले भी जैसे मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. फेबिना जागृति फाउंडेशन जो है वो सेक्शन 8 की कंपनी है. इसका मिशन बड़ा क्लियर है, एक ही थीम पे हम काम कर रहे हैं, वो है विमेन एम्पावरमेंट. अब वो चाहे लर्निंग के लिए हो, चाहे वो अर्निंग के लिए हो, चाहे वो अपनी पहचान बनाने के लिए हो, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम के लिए हो, और चाहे वो मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड हो, बट इसका सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो महिलाओं को होगा. क्योंकि मेरा मानना है, मैंने इन 22 साल के करियर में, मतलब नॉर्मली लोग 8-9 घंटे काम करते हैं, मैं 16-18 घंटे काम करती हूँ, 365 डेज काम करती हूँ. मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अभी जितना जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि महिलाओं को गिव अप बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो खुद भी कर देती हैं और परिवार भी करवा देता है. तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को मजबूती से खड़ा करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं. और मैंने इतने पूरे समय में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उन चीज़ों का कंक्लूजन निकाल के हम लोग लेके आए हैं. चूँकि फेबिना जागृति फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, एक नाम कमाने के लिए, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक सेटिस्फेक्शन कमाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं. और बहुत ही यूनिक है, ध्यान से सुनिएगा. जागृति फाउंडेशन 3 वेंचर पे काम करने जा रहा है, लर्निंग, अर्निंग एंड एक पूरा का पूरा जो है सेटअप करना उसके ऊपर, ठीक है. सो ये इस फ्रेंचाइजी मॉडल में हम आपको क्या दे रहे हैं और कैसे हम हमारे साथ में जो भी फ्रेंचाइजी एसोसिएट होगा तो उसको फायदा मिलेगा. सबसे पहला है एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल. सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तैयारी 10 साल से कर रही थी, धीरे धीरे 2 साल पहले मैंने इसको लॉन्च किया. 2 साल में हमारे 6 महीने वाला जो कोर्स है वो लगभग 4 बैचेस हमने कंप्लीट किए, जिसमें हम एक साथ में 5 बैचेस लेते हैं. तो अगर मैं बात करूँ तो 20 बैचेस हो चुके हैं. तो हम लोगों के यहाँ 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे 5 बैच चलते हैं. और 5 बैच की मैं बात करूँ तो पहले बैच में, दूसरे बैच में, लगभग ये हम बोल सकते हैं कि लगभग 19 बैच हम खत्म कर चुके हैं 6 मंथ के. और इसमें इतने सारे बच्चों ने हमारे साथ में एसोसिएट हुए. बिफोर कोरोना तो सिर्फ हम लोग सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस करते थे, बट आफ्टर कोरोना हम लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज शुरू हो गया. मेकअप आर्टिस्ट में हमने 5 बैचेस लिए, 5वां बैच अभी चल रहा है, 4 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए. 6 हमारा सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स में लगभग 7 बैचेस हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये सारे कोर्सेज जो हमने कंडक्ट कराए, इसमें जितने भी बच्चे हमारे साथ में सीख रहे थे उनमें से 90% बच्चे पैसा कमाने लगे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई पार्ट टाइम कोई फुल टाइम. एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल. और इस मॉडल के साथ में काम करते हुए हमने नोटिस किया कि हमारा भी टर्नओवर काफ़ी इंक्रीज हुआ. जब टर्नओवर इंक्रीज हुआ तो सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ. बट वो हमारा दूसरी फर्म में चल रहा था, अब हमने जो फर्म रजिस्टर की है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो हमने सोचा कि प्रॉफिट हम तो नहीं कमा सकते, बट क्यों ना हमारे इकोसिस्टम में जितने लोग भी अच्छे एसोसिएटेड हैं उन सब लोगों को एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए.
तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। इसको ध्यान से देखिएगा, आज तक जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल हैं मार्केट में, उन सब में एक टर्म कॉमन है, वो है अनलिमिटेड इनकम। बट अनलिमिटेड की अगर मैं बात करती हूँ, तो अनलिमिटेड की ना ही कोई नीचे की लिमिट होती है और ना ही कोई ऊपर की लिमिट होती है, ठीक है। हमने क्या कहा है, अनलिमिटेड तो है, बट आपका पूरा टर्नओवर जितना भी होगा, उसके ऊपर जो आपका कमीशन बनेगा, वो कमीशन अगर 50,000 से कम है, तो वेबिनर जागृति फाउंडेशन एज ए कंसल्टेंट आपको उसमें रिफिल करके 50 पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे मंथ में काम किया और उस पूरे मंथ में काम करने के बाद में आपका कमीशन 30,000 रुपए बना, तो 20,000 रुपए हम मिला के आपको 50,000 पूरा देंगे। अगर आपका कमीशन 70,000 बना, 1,00,000 बना, तो काटेंगे नहीं, बट मिनिमम पे लिमिट रख दिया, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट मेरा दावा है और ये मेरा कमिटमेंट है, मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, कि जो भी कोई जो हम सिखा रहे हैं उसका 50% भी इम्प्लीमेंट प्रॉपर कर लेता है, मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 150% भी इम्प्लीमेंट कर लेता है, ठीक है, तो भी वो महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकता है। मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारा, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग करवा रहे हैं। उसके साथ साथ में तो गारंटी इनकम की बात करूं, तो आज तक मैंने करीबन 1,500 फ्रेंचाइजी मॉडल को स्टडी किया, मिनिमम गारंटी पे कोई बात नहीं कर रहा, हम मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत यूनिक मॉडल है। उसके बाद में सेल्फ आइडेंटिटी, सिंपल सी चीज़ है कि फेबिना ग्रुप जिस अग्रेसिवनेस के साथ में, जिस स्पीड से काम कर रहा है, जिस फोकस के साथ काम कर रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है, जिस तरीके से हमको सपोर्ट मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, हमारा एक साल के अंदर जो भी हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में कहीं पर भी हमारे साथ में एसोसिएटेड है, वो प्राउड फील करेगा, ये मेरा दावा है, ठीक। और सेल्फ आइडेंटिटी आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी, बट मेरा दावा है कि आप फेबिना के साथ में एसोसिएट होने के बाद में आपकी आइडेंटिटी और इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ में है सिंपल सी चीज़ें कि जब इतने सारे लोग, 250 से 300 लोग अगर आपके यहाँ डेली आना जाना शुरू करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास में आपके आसपास की जो डेमोग्राफिक वैल्यू है वो भी बढ़ती है, क्योंकि आस पड़ रहे उसके जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। उसके साथ साथ में सोशल वर्क और अवेयरनेस। सोशल वर्क देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हमने इसको बिजनेस मॉडल का नाम दिया है, आकाश फोन देखना, ठीक है, हमने इसको बिजनेस मॉडल का नाम दिया है, बट रियलिटी ये है कि विमेन एम्पावरमेंट जिस दिन सही ढंग से होना शुरू हो जाएगा, उस दिन परिवार का भी फायदा होगा, स्वयं महिलाओं का फायदा होगा, क्योंकि एक खाली दिमाग कभी भी कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकता। अगर कंस्ट्रक्टिव करना है तो अपने ब्रेन को यूज करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, उससे सिर्फ वो महिला नहीं एम्पायर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं उसके एम्पायरमेंट के साथ में उसके बच्चों की भी ग्रोथ हो रही है, बच्चों की भी ग्रोथ हो रही है, साथ में परिवार की भी ग्रोथ हो रही है, परिवार की ग्रोथ हो रही है, सोसाइटी की ग्रोथ हो रही है, और कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ हो रही है। सो ओवरऑल जो है, हम एक बहुत बड़ा सोशल कॉज भी बोल सकते हैं इसको। मैंने नाम नहीं दिया है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो लोग उसमें कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर देंगे, तो मैं तो सीधे इसको बिजनेस मॉडल बोल रही हूँ, बट इनडायरेक्टली हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने लेवल पे समझ सकते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं कि काम करने वाला इंसान जब फोकस होके काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव ही कर रहा होता है। जब आप खाली होते हैं, तो आप गॉसिपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आप डिप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आप नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बट आप बिजी होते हैं तो आप फोकस्ड होके कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे होते हैं। सो अवेयरनेस भी बढ़ेगी लोगों की, क्यों काम करना चाहिए, तो काम करने के लिए, मैं तो मानती हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता है, काम करने से आपकी कंप्लीट ग्रोथ होती है। और मुझे शायद, मैं जहाँ से हूँ, जितनी छोटी जगह से हूँ, जितनी मेरी एजुकेशन थी, उसके हिसाब से अगर आज मेरा नॉलेज की मैं बात करूँ, तो मुझे काम करने की वजह से जो मिला है वो बहुत बड़ा है। ओके, सो कौन इसमें आ सकता है, फ्रेंचाइजी मॉडल में कौन काम कर सकता है? एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, वर्किंग पर्सन आ सकते हैं, हाउसवाइफ आ सकती है, फ्रीलांसर्स आ सकते हैं, एक्स सर्विस पर्सन आ सकते हैं, इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कोई भी हमारे साथ में एसोसिएट हो सकता है, और साथ में
हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है। कैसे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल को ऑपरेट किस तरीके से किया जाएगा। फ्रेंचाइजी मॉडल में आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद में आपको एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर बताया जाएगा कि कैसे करना है। आपका क्लासरूम होगा, जिस क्लासरूम में हम लोग आने वाले समय में कई सारे कोर्सेज करेंगे, बट एट प्रेजेंट हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं, सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स, पार्लर का 6 मंथ का प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ साथ में मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, और अदर कोर्सेज जो होंगे वो आने वाले समय में आने वाले हैं। उसके अलावा फेबिना बिजनेस एसोसिएट वो लोग हैं जो घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, उनके कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कई सारे फिजिकल चैलेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों के साथ में भी अगर जो काम करना चाहता है वर्क फ्रॉम होम, तो हमने उनके लिए बिजनेस एसोसिएट का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है। कैसे काम करेगा मैं आफ्टर मीटिंग आपको बताती हूँ, मतलब ये खत्म होने के बाद में बताती हूँ। इस फ्रेंचाइजी मॉडल से वॉक-इन्स को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और वॉक-इन्स से आपको भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो लोग भी आएंगे उनको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विद कंसल्टेंसी मिलने वाला है, उसके साथ साथ में रेफरेंसेस क्रिएट होंगे, लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो काम करने वाली लोग हैं वो महिलाएँ ही हैं, तो एक कम्फर्टेबल एरिया मिलेगा। उसके बाद में है ब्रांड आइडेंटिटी। फ्रेंचाइजी मॉडल में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फेबिना की ब्रांड आइडेंटिटी, जिसको बनाने के लिए 22 साल मैंने और मेरी पूरी टीम ने काम किया है। उसके बाद में एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो हम दे रहे हैं, मॉडल का सेटअप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में सैलरी, चूँकि जितने भी फ्रेंचाइजीज हमारे साथ में काम करेंगे उन सारी फ्रेंचाइजीज में को हम लोगों के यहाँ जितने भी ट्रेनर होंगे उन ट्रेनर की सैलरी फेबिना के हेड ऑफिस से दी जाएगी। उसके साथ साथ में जो मिनिमम गारंटी की बात की है हमने, मिनिमम गारंटी इनकम की बात की है 50,000 रुपये, वो फ्रेंचाइजी ऑनर को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में ट्रेनिंग का सपोर्ट हमारा होगा, मार्केटिंग सपोर्ट हमारा होगा, ब्रांडिंग सपोर्ट हमारा होगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमारी होंगी, सपोर्ट सिस्टम हमारा होगा। नॉर्मली मार्केट में जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं वहाँ पर बोला जाता है सेल्स आप करो, सपोर्ट हम करेंगे। हमारा मॉडल कहता है सपोर्ट आप करो, सेल्स हम करेंगे, जो बहुत ही यूनिक है, कॉम्बिनेशन है। सो ओवरऑल जो है हम आपको जो दे रहे हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन अभी रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आप लोगों का सवाल उठ रहा होगा कि टर्नओवर किस चीज का है, रेवेन्यू किस चीज का आएगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट में एक क्लासरूम और एक शॉपिंग एरिया दोनों चीजें रहेंगी। शॉपिंग से सब लोग परचेज करेंगे, बिजनेस होगा, और क्लासरूम में लोग सीखने आएंगे। तो सबसे पहले जो 4 अलग अलग वेंचर दिखाई दे रहे हैं आपको, स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट जितने भी लर्निंग के लिए हमारे यहाँ पे क्लासरूम में आएंगे, वो सारे बच्चों को सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है। वो सामान जब वो हमारे आपकी फ्रेंचाइजी से खरीदेंगे, आपकी ब्रांड से खरीदेंगे, तो आपको वहाँ पर टर्नओवर के ऊपर कमीशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, अगर आपकी तरफ से, वैसे तो स्टूडेंट हम एडमिशन करके दे रहे हैं, बट आपकी तरफ से अगर एडमिशन होता है तो उस सिचुएशन में हम आपको 10% का कमीशन भी देंगे, ठीक है। चाहे वो किट खरीद रहा हो, चाहे वो इसमें दे रहा हो। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारा एक कोर्स है 6 मंथ का पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स जो है, बेसिक टू एडवांस। इस कोर्स की मार्केट वैल्यू 2 लाख है, बट ये कोर्स हमने पहले बैच में 500 रुपये के डोनेशन के साथ कराया, दूसरे बैच में 2,500 के डोनेशन के साथ कराया, अभी उसके बाद वाली जो बैच है उसमें 5,000 के डोनेशन के बाद में कराया। इस बार हमने जो डिसाइड किया है, हम लोग कम्प्लीटली फ्री कर रहे हैं, मगर हमने इस बार एक चीज़ कंपल्सरी की है, वो है किट। क्योंकि लोग, बच्चे जब आते हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस जो नहीं कर पाते उनका हाथ उतना सेट नहीं हो पाता। और आने वाले समय में इसके बाद जो हमारा एक फ्रीलांसर्स के लिए एक बिजनेस मॉडल आ रहा है, उस समय भी उनको किट चाहिए है, तो उस समय पे हम किट प्रोवाइड करें उससे बेहतर है। एक और बहुत फेमस ब्रांड है जो किट प्रोवाइड करता है फ्रीलांसर बनाने के लिए, उससे बेहतरीन हमारा कुछ मॉडल आ रहा है। तो हमने सोचा उस समय पे सर्विस के लिए हम किट क्यों दें, पहले हम प्रैक्टिस के लिए दें और वही किट उनकी सर्विस के काम आ जाए। तो इस बार हमने उनको किट दिया है जो बहुत नॉमिनल प्राइस पे हमने दिया है, वो लोग परचेस करेंगे, उसके ऊपर जो भी बिजनेस होगा उसके ऊपर 10% का
कमीशन फ्रेंचाइजी ब्रांच को मिलेगा। उसके बाद में बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस एसोसिएट हमारे साथ में लगातार ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारे हमारा जो जो प्रोजेक्ट है वो ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है कई सारे यूट्यूबर्स के चैनल पे। तो सिंपल है कि बहुत सारे वॉकिंग्स आएंगे, जब भी कोई कॉल आएगा, जिस भी सिटी से कॉल आएगा, उस सिटी का कॉल उस फ्रेंचाइजी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो अगर वहाँ पहुँचता है, उसके ऊपर वो अगर रजिस्टर करता है तो उसके ऊपर कमीशन उसको मिलेगा। जितना भी टर्नओवर जनरेट होगा उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। नए फ्रेंचाइजीज के रेफरेंस मिलते हैं उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। वॉकिंस, वॉकिंस अगर आते हैं तो जैसे ही आप हमारे ब्रांच ऑपरेटर या फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको FBA कोड मतलब फेबिना बिजनेस एसोसिएट कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। और कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है तो हमारे बिजनेस एसोसिएट जितने भी हैं उनको मिलने वाला है 5-50% रिटेल प्रॉफिट, गिफ्ट्स, कैशबैक और बोनसेस, ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं FBA को। तो आपके पास में जब कोई वॉक इन प्रोडक्ट खरीदने लेके आता है तो उस समय आप अपने FBA कोड का इस्तेमाल करेंगे और ये सारे बेनिफिट जो आपके आपके FBA कोड पे मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे और उस वॉक इन को मिलेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे विथ कंसल्टेंसी। उसके बाद में टर्नओवर कमीशन अलग से मिलेगा। अगर आपके नए एडमिशन्स होते हैं वॉक इन्स के थ्रू तो भी आपको कमीशन मिलेगा, आपके FBA रजिस्ट्रेशन होते हैं तो भी आपको कमीशन मिलेगा। उसके साथ साथ में पार्लर, पार्लर अगर आप डालते हैं फेबिना के नाम से तो उस सिचुएशन में आपको ये सारे बेनिफिट जो वॉकिंस के मिलने वाले हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको 80-20 के उसमें काम मिलेगा। सो 80% आपकी कमाई, 20% आपको फेबिना के अकाउंट में डोनेट करना है जिससे कि आगे हम और ग्रोथ कर पाए। ओके, क्या लगेगा पूरा, हमने एक इंफ्रा के ऊपर पूरा का पूरा आपको लिस्ट दिया है कि फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आपको चाहिए है तो क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको सबको उनसे डिमांड कर लीजिएगा, वो PPT आपके पास में शेयर कर देंगे, लिस्ट आपके पास आ जाएगी। लिस्ट को एक्सप्लेन करने में मैं टाइम नहीं खर्च करूँगी ताकि मैं आपके सवाल जवाब कर सकूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला है रजिस्ट्रेशन फी जो 50,000 रुपये है। इस 50,000 की रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर हम आपको दे रहे हैं हमारा एक वेबिनार की ब्रांड आइडेंटिटी, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, ग्राफिकल सपोर्ट, स्टूडेंट के एडमिशन, उसके बाद में वेब पेज, हमारी वेबिनार की वेबसाइट पे आपका पूरा डिटेल ताकि कोई भी अथॉरिटी की प्रॉब्लम ना आए, लोग विश्वास करने वाली दिक्कत ना दें। FBA रजिस्ट्रेशन जो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, वॉक इन सपोर्ट मतलब कस्टमर भेजने का काम हम करेंगे, मिनिमम गारंटी इनकम के ऊपर 50,000 का जिसमें आपके पास में ये सवाल ना हो अगर नहीं हुआ तो क्या, तो नहीं हुआ तो भी आपको कंसल्टेंसी फी 50,000 मिल जाए, मतलब इनकम जो है आपकी 50,000 हो जाएगी। सोशल मीडिया का पूरा सपोर्ट जो हमारे हेड ऑफिस में पूरी टीम बैठी है ये करके देगी। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम करके देंगे, लिस्टिंग होगी फ्रेंचाइजी के हमारी वेबसाइट पे, ये सारा सब आपको होगा। दूसरा, इंफ्रा के ऊपर जो लिस्ट आपको दिख रही है उसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब आप डिपेंड करता है कि आप सिंपल पे जाते हैं या बहुत एडवांस में जाते हैं उसके ऊपर। तीसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, चूँकि ये फ्रेंचाइजी ब्रांच है फेबिना जागृति फाउंडेशन की तो इन्वेंट्री जो होगी वो पूरी की पूरी फेबिना जागृति फाउंडेशन की होगी, बट उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जो 5 लाख है, क्योंकि 5 लाख के अगेंस्ट हम वहाँ पर लगभग 6-7 लाख रुपए की इन्वेंट्री देने वाले हैं, रखने वाले हैं। वो इन्वेंट्री के रोटेशन में जो भी टर्नओवर होगा उससे आपको कमीशन मिलेगा, बट उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको पे करना होगा जो 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 50,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में इंफ्रा की कॉस्ट है, ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए के आसपास फ्रेंचाइजी का टोटल खर्च आ रहा है जिसमें से 5 लाख रिफंडेबल है। अब यहाँ पे टर्नओवर कितना हो रहा है उसके ऊपर कमीशन कितना मिल रहा है जिसमें हमने गारंटी की बात की है। सो थैंक यू टू ऑल, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ में मुझे सुना। अब आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसीलिए सवालों के लिए हमने रखा है। ऑलमोस्ट मैंने जो की पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आपके साथ में एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो जिसका भी जो भी सवाल हो
वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं? किसी का कोई सवाल? यस, लोन फैसिलिटी हो सकेंगी क्या? डियर, लोन की फैसिलिटीज हमारे साथ में तो नहीं पॉसिबल है, आपको वो आपके लेवल पे ही देखना पड़ेगा। थैंक यू। महिला बैंक वगैरह से आप बात कर सकते हैं, आपका बैंकिंग देख सकते हैं, आप दूसरे लोन देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक खुद ने भी लोन कभी नहीं लिया है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है लोन कैसे, बट धीरे धीरे मे भी शायद फ्यूचर में हमको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बट एट प्रेजेंट तो हमारे पास में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। और कोई कोई सवाल पूछना चाहता है? गीता जी, वैसे आप हैं कहाँ से? हाँ बोलिए। आप कहाँ से हैं? मैं औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद से है, ओके। सो आप चाहें तो एक बार हमारे यहाँ विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो सेटअप हम आपको बोल रहे हैं वो सेटअप ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 2 साल से है, जिसके ऊपर हमारा काम लगातार चल रहा है, और अब तक जितने भी फ्रेंचाइजी हमारी फाइनल हुई है वो सारी की सारी हमारे स्टूडेंट के द्वारा ही ली गई है। वो खुद भी इतना इम्प्रेस है कि वो अपना मौका और अपना एरिया छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जी बताइए। आपके प्रोडक्ट कौन से होंगे? प्रोडक्ट देखिए मैम, इसमें जो वेबिनार बिजनेस एसोसिएट के लिए जो प्रोडक्ट है, जो सेलिंग के लिए जो फ्रेंचाइजी मॉडल में रखने हैं, वो कॉस्मेटिक ब्रांड होंगे जो लगभग 40-50 ब्रांड के होंगे। उसके बाद में कपड़े हैं, कपड़े में हम रेडीमेड पे नहीं जा रहे हैं, हम साड़ियाँ और सूट मटेरियल पे जा रहे हैं, और तीसरा जो है वो है ये अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी। उसके अलावा हमारे टाई अप की बात चल रही है राजस्थान नमकीन से, राजस्थान नमकीन का अलग से फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, बट हम उनके साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उनका फ्रेंचाइजी मॉडल भी इसी में क्लब हो जाएगा, आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको राजस्थान नमकीन के भी पूरा का पूरा काम मिल जाएगा। ये बात चल रही है, और भी आने वाले समय में हम आपको कई सारे ब्रांड्स वगैरह देने वाले हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर जनरेट करें और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करें। ओके। किसी और का कोई सवाल? हाय मैम। हेलो, दिस इज रश्मि बगड़िया मैम फ्रॉम गिरिडीह झारखंड। झारखंड, ओके ग्रेट। जी रश्मि बोलिए। मैम मैं ये नहीं सुन पाई कि व्हाट इज द amount to be invested in this project? Okay, dear, इसपे 3 भाग में investment है। पहला है registration fee के तौर पे, दूसरा है ये screen पे हमने ले आया, दूसरा है infra के लिए, और तीसरा है security deposit। Security deposit refundable है, registration fees non-refundable है, infra चूंकि आपके पास में ही सारी चीजें रहनी है, तो ये आपका अपना investment है। तो ये 3 investment main है। फिर अगर आपकी खुद की जगह है तो आपको रेंट नहीं लगेगा, बट अगर आप रेंट पे जगह ले रहे हैं तो आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके एक्सपेंस होंगे जो मंथली होंगे। बट मुझे लगता है कि आज की डेट में भी अच्छी बड़ी बड़ी सिटी में भी आपको जो जगह चाहिए है 600-700 स्क्वायर फीट की, और इतने अच्छे कॉज के लिए चाहिए है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए और दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तो आपको 15-20 हज़ार रुपए रेंट में भी मैक्सिमम इतनी अच्छी जगह, अच्छी जगह मिल सकती है। मैम जैसे इसके लिए मुझे क्या मेन रोड पे ही जगह लेनी होगी कि मेन रोड पे जगह लेने की जरूरत नहीं है, मगर लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके प्लस सेफ हो, क्योंकि लड़कियों का मामला है, लड़कियां आएंगी जाएंगी तो उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, यस मैम। इस चीज का बस ध्यान रखिए कि सेफ हो, बहुत तामझाम नहीं होगा चलेगा, मगर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक, वो बात अलग है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग कराने वाले हैं हमारे सारे स्टूडेंट, सारे एफबीएस को, कि अगर जरूरत पड़े तो निपटा दो किसी को भी। ठीक है, उस लेवल पे भी करने वाले हैं, मगर फिर भी इस नौबत तक जाए क्यों, इस चीज का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस राहुल जी बताइए।
मेरा ये सवाल है कि ये जो आपने जो बताया अभी तक, तो सिर्फ सिटी के लिए होगा ना, ट्राइबल जो एरिया है जहाँ पर पूरा ट्राइबल है तो आने का? देखिए क्या है राहुल जी, आज की डेट में हम लोग इमोशनल होके थोड़ा सा अगर इंटीरियर में ज्यादा चले जाते हैं तो कल को तकलीफ आएगी, इसलिए हमने जो डिसाइड की है सिटीज, वो मेरे जो पार्टनर है उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया उस चीज के लिए कि हम लोकसभा सीट जो है उन पे ही काम करेंगे। सो 543 सिटीज जो है, सो उस चीज के लिए मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी सिटी पे करना चाहिए कौन सी सिटी पे नहीं करना चाहिए, तो कीर्ति सर ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि लोकसभा सीट जितनी भी हैं उन सारी जगह पे हम काम करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा, ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि जितने भी लोकसभा सीट्स हैं वहां पे रेलवे की या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि ये इन्वेंट्री रोटेशन करना है और जब इन्वेंट्री रोटेशन नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ, सो इन्वेंट्री रोटेशन अगर नहीं होगा तो तकलीफ आएगी आने वाले समय में। सो अगर आपका एरिया ऐसा है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं और वहां पर इतने लोग हैं कि हमारे 200-250 स्टूडेंट एट ए टाइम सीखने के लिए आ सकते हैं, लोग बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो हम वहां पे देने के लिए रेडी हैं। तो आपकी सिटी क्या है वो आप हमारे जितने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ में डिस्कस कर लीजिए, अगर वो सिटी में पॉपुलेशन अच्छी है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो अगर वो करनी पड़ी सोसाइटी ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज? और किसी का कोई सवाल? हेलो मैम, मैं जो ट्रैवल एरिया में काम कर रहा हूँ ना अभी ना जी, वहाँ पर है ना ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, यहाँ से है ना गुजरात नजदीकी है और नासिक सिटी भी नजदीकी है ना, यानी कौन सी सिटी है सर? नासिक, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पेट ब्लॉक है वहाँ पर। अच्छा, तो हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अभी जो है ना मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर अभी तक है ना 1200 सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं सभी पूरा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो यानी नजदीक 8 साल हो गए अभी उनके साथ काम करते करते। उनके अलग अलग प्रोडक्ट है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे है, यानी कि उनको जो चाहिए वो आपने जो बताया वो उनके हिसाब से है वो। ठीक है, तो राहुल एक काम कीजिए, एक बार आप ना आप एक बार हो सके तो पुणे आ जाइए, आप हमारा सारा सब देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ में एसोसिएट होने वाला हर व्यक्ति 100% सेटिस्फाई हो, तभी वो पूरी तरह से हमारे साथ में अलाइन होगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है वो एक बार एटलीस्ट हेड ऑफिस आए और आके पूरी चीजों को देखे, सुने, समझे, देन डिसीजन ले कि उसको करना है। ओके मैम, जरूर आऊंगा। जल्दी आइएगा, क्योंकि एक बार अगर जगह बुक हो गई तो फिर दोबारा हम लोग उस एरिया में नहीं देंगे, और जैसा आप बता रहे हैं वो आपकी जगह पे तो हम एक से ज्यादा देंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आइए, वेलकम। हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम, मैं विकांक्षा बोल रही हूँ। जी बोलिए विकांक्षा। मैम मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी 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 बोलिए। मैम मैंने आपकी बहुत ही तारीफ सुनी है। थैंक यू, थैंक यू। हम जिनसे भी आपके बारे में बात होती है वो बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू। आपको पता है सबसे अच्छी तारीफ क्या है आपकी? जी पता है मैम, आप जब बात करते हो स्टूडेंट्स हो चाहे चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स हो जी, चाहे आपके स्टाफ टीम कोई भी हो जी, आपके अंदर वो बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। थैंक यू। आप भी आपको देख के ऐसे लगता नहीं कि कोई भी हाइड एंड सीक वाला कोई बात हुए या कोई पॉलिटिक्स वाली कोई बात है या प्रॉफिट और लॉस वाली बात है, आप सिर्फ अपना जो नॉलेज है वो देते जाते हो, ये चीज आपकी बहुत अच्छी है। इसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा फकीर है वो मैं ही हूँ। ठीक है, सबके पास कुछ है ही नहीं तो एटीट्यूड किस चीज का करूँ जी मैम, क्योंकि मैंने आपकी 2-3 क्लासेस भी ज्वाइन की है और आपकी कुकिंग कॉन्टेस्ट में भी हमारी बात हुई थी 2-3 बार। ओके, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कभी कुछ अगर लाइफ में उलझन आती है बिजनेस के रिगार्डिंग
या एक वुमेन होने के नाते कभी कहीं फंस जाते हैं, उलझने आती है, तो आपसे बात करें वो इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। थैंक यू डियर, थैंक यू जी। और मैम मेरे फादर ने आपका पूरा स्टडी किया सेक्शन 8 कंपनी से जी, तो मुझे ये पूछना था जो फ्रेंचाइजीज हैं क्या उनको भी टैक्सेस वगैरह या ये सब चीजें। ओके, देखिए सबसे पहले जो चीज है कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये ब्रांच है फेबिना। हम लोगों ने इसके ऊपर सीए के साथ में काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उन्होंने बताया कि अगर आप फ्रेंचाइजी देते हैं तो सबको जीएसटी और सारा सब तामझाम करना पड़ेगा, तो इंसान उन्हीं सब चीजों में उलझ जाएगा। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हमने अपनाया, वो तरीका ये है कि हमारा जो पूरा बिलिंग और ईआरपी सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो एक यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये जितनी भी फ्रेंचाइजी है ये फेबिना की ब्रांचेज है, तो बिलिंग जो यूज होगा वो फेबिना के अपने सॉफ्टवेयर से होगा। तो जब बिलिंग सॉफ्टवेयर फेबिना का यूज होगा, ईआरपी पूरा का पूरा फेबिना का होगा, तो टैक्सेशन किसी भी तरीके का फ्रेंचाइजी के ऊपर नहीं आएगा, स्पेशली जीएसटी, ठीक है। अब आ जाता है इनकम टैक्स, हाँ, तो जो वो कमाएगा, इंसेंटिव लेगा, कमाई होगी उसकी, वो उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, मगर जीएसटी जो है वो फेबिना जागृति फाउंडेशन ही पे करेगा। और चूंकि ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमको इस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो इनकम टैक्स हमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें से हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं। एज ए फाउंडर और एज ए फाउंडर डायरेक्टर मैं इसमें से सैलरी भी नहीं ले सकती, और मेरी कोई भी मैनेजमेंट की टीम इसमें से कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। हाँ, मेरी एंटायर टीम को सैलरी मिलेगी जो वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी भर जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और फ्रेंचाइजी को भी जो कमाई कर रहा है, इंसेंटिव ले रहा है 50,000 रुपए महीना, उसके ऊपर जो भी उसका टैक्सेशन है वो उसको इनकम टैक्स में देना है जो पर्सनल लेवल पे होगा, बिजनेस के ऊपर उसको नहीं देना है। बट उसको जो हम एफबीए दे रहे हैं, एफबीए वाला जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसमें भी उसको शायद 20 लाख था पहले, बट अभी शायद 50 लाख हो गया है। जीएसटी के ऊपर जो टर्नओवर नहीं होना है उतने तक उसको जीएसटी अकाउंट नहीं खोलना है, बट जैसे ही उसकी लिमिट जाएगी, क्रॉस करेगा बिजनेस करते हुए, उस समय उसको पर्सनल एफबीए के लिए जीएसटी अकाउंट लेना होगा, और उस समय पे उसको वो टैक्स भी देने होंगे। एट प्रेजेंट शुरुआत में इनकम टैक्स वो भी 1 साल बाद ही लगना है, अभी तो लगना नहीं है क्योंकि अप्रैल से शुरू हो रहा है ये पूरी तरह से ऑपरेशन, तो नेक्स्ट ईयर ही इनकम टैक्स देना है और जीएसटी तब देना है जब उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल, किसी का कोई सवाल? मैम एक सवाल और है मेरा जी, बताइए, पूछिए। मैम जो हमारे ट्रेनर्स को आप लोग ट्रेनिंग देंगे, सपोज मैं एक टीचर हायर करती हूँ मेरे यहाँ पे जी, और उनको ट्रेनिंग ऑनलाइन ही दी जाएगी ना? सबसे पहले जो चीज है कि ट्रेनर की ट्रेनिंग, एक तो बेसिक जो हमारे एफबीएस के साथ में होगी वो तो होगी ही उनकी, उसके अलावा टीचर की ट्रेनिंग हफ्ते में 3 दिन होगी। कैसे होगी? क्योंकि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम काम करने वाला है, हेड ऑफिस से जो मेन ट्रेनर है जिनका 22 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस और भी जो हमारे ट्रेनर हैं जो एक्सपीरियंस हैं जिनके साथ में हम 2-3 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से हर ब्रांच के लिए लाइव ट्रेनिंग करेंगे और साथ में स्टूडेंट के लिए भी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन हेड ऑफिस से ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनर भी बैठ के सुनेगा, सीखेगा और स्टूडेंट भी सीखेंगे, और ये दोनों लोग मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सीखेंगे, और दूसरे दिन मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से ये मॉडल पे काम होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में। सेम चीज हमारा जो एफबीए का मॉडल है वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में, हमने सबका प्लस पॉइंट ले लेके इसको बनाया है, तो बहुत शानदार बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज की है, क्योंकि इतने साल जो काम किया था, अलग अलग वेंचर में काम किया था, मैंने हिंदुस्तान लीवर के साथ भी काम किया है, मैंने एक मलेशियन कंपनी में इंडिया टॉपर होके भी काम किया है, लास्ट 4 ईयर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में काम कर रही हूँ, 5 साल से उनको फॉलो कर रही हूँ, मेरा खुद का भी अपना एक्सपीरियंस था। ये सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए हमने ये पूरा का पूरा वेंचर बनाया है, और इसके ऊपर जब हम टेस्टिंग कर रहे थे हमने कम से कम 1000 लोगों से पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। और ये मॉडल इसलिए ज्यादा कोई इसमें सवाल नहीं कर पा रहा
क्योंकि 90% टेबल के उस पार सोच के बैठ के सोचा है और 10% अपनी चेयर पर सोचा है। यही वजह है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हम तैयार कर पाए। जी मैम, मैम मैंने आपके रिव्यूज देखे, आपके कोर्सेज के वेबसाइट पे बहुत अच्छे रिव्यूज दिए गए हैं आपके स्टूडेंट्स ने वगैरह। ये चीजों से, जी ये चीजों से कहीं ना कहीं जाके मन करता है आपसे जुड़ने का, तो मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहती हूँ। तो ये मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे और कैसे कहाँ से शुरू होगा ये कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी? सबसे पहले जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरा सब ये पीपीटी भी देंगे, आपके जो भी सवाल जो आज रात में आपके दिमाग में आएंगे उनके आंसर भी आपको करेंगे, और उन सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद में अगर हो सके तो आप एक बार पूना आ जाइए, पूरा सेटअप हमारा अपनी आंखों से देखिए। नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो कॉल पे जिन भी कंसल्टेंट से आप पूरा सेटअप देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, आपका सेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाए, देन उसके बाद में डिसाइड कीजिए। फिर आपको अकाउंट डिटेल वगैरह मिल जाएगी। पहले स्टेप पे आपको 50,000 पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इंफ्रा का पूरी तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद में March 1st के पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। जैसे ही आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगा, आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके यहाँ इन्वेंट्री जो है वो पूरी की पूरी पहुंच जाएगी, और वो इन्वेंट्री का सेटअप आपको करना है। 8 मार्च को हमारा ऑफिशियल लॉन्च है, वुमेन्स डे वाले दिन। उस दिन से आपके यहाँ पे फुटफॉल आना शुरू हो जाएगा, और अप्रैल मिड पे हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और वहां से काफी अच्छा ग्रोथ शुरू हो जाएगा सबका। एडमिशन वगैरह सब हम अपनी तरफ से कराएंगे। ओके मैम, तो 50,000 जो अमाउंट है रजिस्ट्रेशन, वो वन शॉट में देनी है जी। एंड मैम जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी एक ही बारी में आप लेते हो? वो भी एक ही बारी में देनी है, क्योंकि हम इसको 5 लाख की जगह हम आपको 6-7 लाख रुपए की इन्वेंट्री दे रहे हैं, जो कि पेमेंट करने के 8 से 10 दिन के अंदर हमारे पास पहुंच जाती है। जी जी जी। चंडीगढ़ पहुंचने में भी इतना ही टाइम लगेगा? बल्कि शायद और कम लगे, क्योंकि जब इतनी सारी इन्वेंट्री एक साथ जाएगी तो ट्रांसपोर्ट से जाएगी या रेलवे से जाएगी, और रेलवे में तो हार्डली 2 दिन का टाइम लगेगा। मैंने सेफर साइड आपको 7 से 10 दिन बोला है। ओके मैम, और मैम इसका कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होता है? एग्रीमेंट साइन होगा, आपके साथ में सब कुछ शेयर हो जाएगा। ओके जी मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? किसी का भी कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, बेझिझक। चलिए, मुझे लगता है या तो मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि सारे सवालों के जवाब मिल गए, या तो कोई भी चीज समझ में नहीं आई। बट जो भी हो, बहरहाल आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फोन पे बात कर लीजिए, ठीक है? जी, मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो अभी जॉब ढूंढ रही हैं, एंड वो पंजाब की हैं, चंडीगढ़ और नियर बाय की है, तो वो फ्रेंचाइजी तो ले नहीं सकती, बट वो तीनों जॉब ढूंढ रही है, और मैंने उन्हें जब वेबिना के बारे में बताया, वेबिना के रिव्यूज देखे, तो वो कह रहे हैं कुछ भी करके हमें वेबिना में लगवा दीजिए। आप आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, आप एक काम कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि वो कैसे जॉब कर सकती है या हमारे साथ में एसोसिएट हो सकती है एज एफबीएस बिजनेस एसोसिएट बनके, जैसा भी चाहे। राहुल जाधव नासिक, ओके ठीक है। So, मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ और मेरे पार्टनर्स का भी नंबर दे देती हूँ, और आप लोग चाहें अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बात कीजिए। मैम आपके FBA का फुल फॉर्म क्या है मैम? वेबिना बिजनेस एसोसिएट। ओके, तो इसमें ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियंस के लिए कोई जॉब है मैम? ब्यूटिशियन के लिए जॉब है। किस सिटी से है उनको बोलिए कि एक बार रिज्यूम सेंड कर दे, ठीक है? इसी नंबर पे सेंड कर दे रिज्यूम? नहीं, इस नंबर पे मत सेंड करें, एचआर का नंबर मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट पे, या मैं आप लोगों को जिन्होंने भी इनवाइट किया उनसे आप ले सकते हैं, और एचआर के पास में आप ये भिजवा दें। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक, चलिए। सो किसी के कोई सवाल नहीं है, सो मैं यही मीटिंग एंड करूं।